वह हमें सीखना भी होता है और अभ्यास भी करना होता है। यस, कितना भी आप किताबी ज्ञान ले लीजिए, कितना भी आप किसी से किसी चीज का जानकारी ले लीजिए, लेकिन आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी ने बता दिया कहाँ चलाना है, ऐसे ऐसे स्टीयरिंग, पहली चीज पूंजी, दूसरा चीज समय, तीसरा चीज विश्वास। पहली चीज पूंजी, दूसरा चीज समय, तीसरा चीज विश्वास। मुझे मालूम है आपको विश्वास है टेंशन पर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मिशन पिछले 30 साल से 200 से ज्यादा देश में चल रहा है, आपको पूरा विश्वास होगा। ठीक है, आप समय भी दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिल्कुल मैं 2-3 साल समय दूंगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उस भाई साहब ने समय दिया है, आज उसका लाख आ रहा है। उस भाई भाई साहब ने आज 3-5 साल दिया, उसका 50,000 आ रहा है, उसका 1.5 लाख आ रहा है, उसका 2 लाख आ रहा है, उसका 2.5 लाख आ रहा है। उन्होंने समय दिया, उनको देख करके आप भी समय दे रहे हैं, मुझे मालूम है। लेकिन एक चीज पहले भाइयों, बिजनेस हमेशा क्या मांगता है, पूंजी मांगता है। और ये बिजनेस जो हम लोग कर रहे हैं ये भी बहुत बड़ा बिजनेस है दोस्तों, इस बिजनेस में भी आपको पूंजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, धरती माँ बोलती है कि गिव एंड टेक, तो फिर लो। धरती माँ से अगर आपको 5 क्विंटल गेहूं लेना है तो कुछ किलो गेहूं डालना पड़ेगा, ये प्रकृति का नियम है। बिना कुछ किलो गेहूं डाले धरती माँ से कई क्विंटल गेहूं नहीं निकाल सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं लखपति बनना, आप चाहते हैं अपनी गरीबी दूर करना, तो दोस्तों पैसे की भाषा को समझिए। आदमी क्या बोलता है, आदमी बोलता है पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं। जी हाँ, मैं आपसे भी कह रहा हूं सर, आदमी बोलता है पहले पैसा आए तब मैं कुछ करूं, और पैसा बोलता है पहले तू कुछ कर तब मैं आऊं। यस, तो आप कुछ करेंगे तब पैसा आएगा। इसके लिए बहनों भाई आपको क्या करना है, आपको बस आपको एक काम करना है, प्रोडक्ट को सबसे पहले आज 1 तारीख है, पूरी ताकत पूरी ईमानदारी से आप आज अपने बिजनेस की शुरुआत करिए। आपकी जितनी हैसियत है, आपकी जितनी योग्यता है, आप आज 1 तारीख को प्रोडक्ट लीजिए। आप नए नए हैं, कम से कम 3,000 से शुरुआत करिए। आप थोड़ा सा आप धीरे धीरे 6 महीना साल भर हो रहा है, कम से कम 5,000 शुरुआत करिए। और अगर आप स्टार हो गए, डायमंड हो गए बहन भाइयों, तो आज 10,000 का प्रोडक्ट आज लीजिए और महीने भर घुमाइए। ये महीना कैसे हमारा और अच्छा जाए, कैसे और अच्छा ये महीना बीते, कैसे हम इस महीने अपना लक्ष्य बनाए, टारगेट बनाए, इसके लिए हम ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए हम इनवाइट करेंगे कोई और नहीं, आज हमारे बीच हमारे कोर टीम के एक जाबाज सिपाही बुरहनपुर आजमगढ़ से, कोई और नहीं, आदरणीय श्री दिनेश मौर्य सर, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आइए सर। और आज 1 अक्टूबर है, और नए सिरे से नए जोश के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़े, कैसे हम लोग काम करें, कैसे इस महीने हम लोगों का टारगेट बने, आइए हम लोगों को एक अच्छा संदेश दीजिए। आदरणीय श्री दिनेश कुमार मौर्य सर, वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू नजीर सर, आवाज क्लियर है मेरी? जी सर, क्लियर सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों एक बार फिर से इस ऑनलाइन वेबिनार पे एक लंबे अंतराल के बाद मैं फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं आशा ही नहीं, उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, और अपने जीवन को एक नई दशा और दिशा देने के लिए संघर्षरत होंगे। क्यों दोस्तों, हम जीवन में एक ही चीज हमारे हाथ में है, उसको बोलते हैं संघर्ष। परिणाम तो अपने हाथ में नहीं है ना, इस चीज को लेकर इतनी मोटी गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हम कर्म कर फल की इच्छा मत कर। कर्म हमारे हाथ में, संघर्ष हमारे हाथ में। ढेर सारी दुनिया के लोग आज अभी बिस्तर में पड़े सो रहे होंगे, और हम लोग यहाँ पे इकट्ठा होकर सीखने के लिए। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर, आवाज आ रही है। दिनेश सर की बातों को हम आगे बढ़ाएंगे अभी। सर सर, जो भी हम सबको जो भी जानकारी दे रहे थे, जानकारी का बस एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर एक एक लोग इस बिजनेस में आए हैं कामयाब होने के लिए। और सच्चाई ये है कि डिएक्शन दोस्तों, बहनों भाइयों, वो ट्रेन है जिस पर अगर आप बैठ गए हैं तो सब लोगों को मंजिल तक ले जाएगा। ठीक है, बस सवाल है जो पहली बोगी पर बैठा है वो थोड़ा जल्दी उतरेगा, जो पीछे बोगी पर बैठा है वो थोड़ा लेट उतरेगा। नहीं,
सब लोग अगर नियम से चले, सब लोग सर बता रहे आ चुके हैं, डिसिप्लिन में रहेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। और आज बहुत खूबसूरत दिन है, आज सभी लोग डायरी कलम लेके जो चीजें बोला जा रहा है उसको नोट करिए। तो वेलकम सर, बन सके आवाज क्लियर है सर? जी जी ओके। तो मैं बात कर रहा था कि अगर इस प्रक्रिया को हम दोहराते हैं, यानी एक आदमी, बहुत ज्यादा तांडव करने की जरूरत नहीं, एक आदमी, अपने आप से प्रश्न करना क्या एक आदमी हम अपने जैसा ला सकते हैं, तो एक साल में संख्या होगी 4096। और सोचिए 4096 आदमी आज के एक साल के बाद, 1 अक्टूबर 2023 को अगर 3500 पीवी करेगा तो पीवी कितना होगी, लगभग 1,43,00,000 के आसपास। एक लगभग कैलकुलेशन करिएगा। और मैं कह रहा हूं जो लोगों को ये लगता होगा मेरे पास पूंजी नहीं है, 10,000 हम नहीं लगा सकते, चलो छोड़ दीजिए 3500 पीवी, अगर 1500 पीवी करते हैं और इसी को डुप्लीकेट कराते हैं, यानी एक आदमी को नया तैयार करना है, एक मैं करूंगा एक आप करिए, नेक्स्ट मंथ वो करें ऐसा करके अगर एक साली प्रक्रिया हम दोहराते हैं तो कैंडिडेट तो सेम होंगे। अगर 1500 पीबी हम कराते हैं दोस्तों तो लगभग 61,00,000 प्लस पीबी होनी शुरू हो जाएगी। वो भी लोग कहते हैं कि दोस्तों कि वो हमारे पास 5,000 रुपया नहीं है, तो एक बात मुझे बताइए इस डीएक्शन में बोनस रहनी, जितने लोग पीबी करते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, यूजर की बात नहीं कर रहा हूँ, मिनिमम 1,000 पीबी तो करना ही करना होता है ना, आप 1 तारीख को करो चाहे 30 तारीख को करो, वही पीबी को 1 तारीख को करिए, अपने का डुप्लीकेट करवाइए। अगर नहीं कुछ समझ में आप क्या रहा यार, 1,000 पीबी 1 तारीख तो कर सकते हो ना, और डुप्लीकेट कराएंगे तो कैंडिडेट तो सेम होगा, सिस्टम सेम है 4096, अगर उसको आप डुप्लीकेट करें दोस्तों स्थिति क्या होगी, 40,00,000 प्लस पीबी होगी। और मैं कह रहा हूं अब इससे कम तो पीबी संभव नहीं है, डॉक्टर लिम की एक ही शर्त है कि अगर आपको बोनस लेना तो मिनिमम 1,000 पीबी तो करना ही करना है। अगर 1,000 पीबी भी आप करते हैं, 1,000 पीबी को भी डुप्लीकेट करवाते हैं तो 40,00,000 प्लस पीबी होनी शुरू हो जाएगी एक साल में। और इससे नीचे अब ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो क्षमा प्रार्थी हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ सार्वजनिक रूप से कह नहीं सकता। इसका सिंपल सा मतलब है आपका अपना बच्चों के प्रति, अपने पत्नी के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, लोग कहते हैं ना बहुत बड़े देशभक्त है दोस्तों, बुरा मत मानिएगा, अरे अपने परिवार के बारे में तो आप सोच नहीं पा रहे, अपने बच्चों के बारे में आप सोच नहीं पा रहे हो, आप भूखे रहोगे आपका परिवार भूखा रहेगा दोस्तों, कभी देशभक्त नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं उठता। आप पहले अपने परिवार के लिए भक्ति तो कर लीजिए, हम अपने परिवार के लिए तो कर लें। कहा जाता है कि एक भूखे आदमी से भारत माता की जय नहीं होती दोस्तों, पेट की भूख लगी रहती है ना, अच्छा से अच्छा बुरा से बुरा देशद्रोह तक लोग काम कर जाते हैं। और हम जरूरत क्या है कि हम अपनी जिंदगी तो बदले, इस समान कुछ लोगों की जिंदगी बदलने में प्रेरित करें। अगर 1,000 पीबी यानी 3,500 से 3,000 रुपए का माल भी हम नहीं कर पा रहे हैं तो वही कहते हैं ना कि समस्या रो रहे हैं। और जिसके पास दोस्तों समस्याएं बहुत ज्यादा होती है ना, उसके सपने दब जाते हैं, समस्याएं सबके पास है। आज जितने भी लोग हैं, अभी हमारी दीदी जी की बात हो रही थी, 1500 रुपए में भी एक तरीके से देखा जाए ना हम लोग मेंटल लेबर है। मैं बैंक में सर्विस करता हूँ, मैं भी मजदूर हूँ, बस फर्क है एक फिजिकल लेबर होता है, मेंटल लेबर होता है। 1500 रुपए की भी दिहाड़ी करते थे स्कूल में टीचर, दिहाड़ी समझिए अन्यथा मना लीजिएगा। लेकिन उस समस्या में से उन्होंने रास्ता निकाला, संघर्ष किया, क्या इनको तकलीफ नहीं आई होगी? हमारे बीच हमारे ग्रेट गुरु जिनको पूर्वांचल पितामा बोलते हैं, टेप टीवी बनाते बनाते दोस्तों 54 साल की उम्र बीत गई, क्या इनके सामने जब रिएक्शन आया होगा, क्या इनके सामने समस्या नहीं थी? थी, क्योंकि इतने बढ़िया अमीर लोग होते तो फिर टेप टीवी क्यों बनाते, इतने बढ़िया अमीर मेरे गुरुजी होते तो मोटर की बाइंडिंग क्यों करते? जब और लास्ट टाइम आपको याद होगा जगदीश सर का जब सेशन लगा हुआ था, उन्होंने एक चीज बताई थी, जब मैं डिएक्शन में आया था एक बार में 1,000 पीवी भी नहीं मैं कर पाया था, सोचिए पूरा महीने भर में, लेकिन उन्होंने संघर्ष किया, प्रयास किया, यानी पहले उन्होंने यूज करना शुरू किया, जब उन्होंने बिजनेस करने का निर्णय लिया
और निर्णय जब लिया तब पीछे मुड़ के नहीं देखा। दोस्तों आज वो दिन है, 1 तारीख को आज हमको आपको हम सबको कसम खाना है। दोस्तों नहीं 3500 कर पा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन आज कसम खाना है कि 1000 ईबी जैसे भी करना है। और एक चीज मैं कहता हूँ, हमारे ग्रेट गुरु प्रेरणा सर बोलते हैं 1 तारीख को, अब मेरा व्यक्तिगत अनुभव आप एनालिसिस कर लीजिएगा कि 1 तारीख को जितनी पीबी आती है लगभग लगभग उसका 3 गुना के आसपास फाइनल पीबी जाती है, मेरा अपना मानना है, मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ। और जब ये बात सही है, 1 तारीख को अगर 1 लाख बीबी आएगी 3 लाख जाएगी, 1 तारीख आएगी 3 गुना कर लीजिए, लगभग 3 से 4 गुना बिजनेस जाता है। मैंने महसूस किया जब से 1 तारीख का सिस्टम आया है, यानी 1 तारीख को दोस्तों मूलधन हमारा है, जितना बड़ा मूलधन होगा उतना बड़ा ब्याज होगा। और 1 तारीख को दोस्तों पीबी करने के सबसे बड़ा फायदा होता है, 1 तारीख को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं, 29 दिन हमारे पास रहता है टीम को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये टीम वर्क का बिजनेस, अकेले कुछ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ जो भी हूँ, जितने भी लोग हैं, केवल और केवल टीम की बदौलत है, ग्रुप के बदौलत है, संगठन के बदौलत है। तो अगर 29 दिन आप ही पीबी करिएगा तो टीम को कौन संभालेगा? ऐसे बहुत परेशान आत्मा है, लाल देर तक बीवी करते हैं, लेकिन मुझे इतना यकीन है जितने लोग इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, जो लोग सुबह सुबह आके जुड़ते हैं, मुझे पता है उसमें से आप नहीं है। क्यों? क्योंकि आप परेशान आत्मा नहीं, आप जीवन बदलना चाह रहे हैं, आपको रास्ता ढूंढ रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट के रूप में आपको एक रास्ता मिला जहां आपके सपने को जगाया जा रहा है। मुझे पक्का आशा ही नहीं, विश्वास है आप जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों, आज आखिरी में एक बात बोलना चाहूंगा, आज कसम खाइए, आपका स्टॉक पॉइंट, आपका एजेंसी, आपका ब्रांच, जहां से भी आप परचेज करते होंगे, दोस्तों ये हमारा मंदिर है, हमारा मस्जिद है, हमारा गुरुद्वारा है। 1 तारीख को उस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, जिसको भी आप समझते होंगे अपनी भाषा में, मत्था जरूर टेके, कुछ नहीं कर सकते, 1000 पीबी दोस्तों दर्द लीजिए, एक बार दर्द लीजिए, और जैसा आप करेंगे प्रकृति का नियम वैसे आदमी से आपकी भेंट होगी। अगर आप किस्मत रोने वाले होंगे तो आपको किस्मत रोने वाले मिलेंगे, अपने ऊपर भरोसा करने वाले होंगे तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे। दोस्तों आप जैसे हैं वैसे नेचर आपको मिलाता है। मैं भी शुरू शुरू में था, नेगेटिव था, तो मुझे भी नेगेटिव करने वाले ढेर सारे लोग मिलते थे, और जैसे 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 जानकारी बढ़ती गई पॉजिटिव होता गया, और नेगेटिव लोग धीरे धीरे कर इस तरीके से किनारे होते चले गए। दोस्तों पहले आप करिए फिर टीम करेगी, आप करिए फिर टीम करेगी, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर इस सिस्टम का प्रगति का बनाया हुआ नियम है, आप अच्छा करेंगे अच्छा डुप्लीकेट होगा, बुरा करेंगे पूरा डुप्लीकेट होगा। और जहां तक मुझे आशा नहीं, उम्मीद है, हम जितने भी लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, हम सब लोग अच्छा करने के लिए आए हैं, अपनी पीढ़ियां बदलने आए हैं, और 100% ये प्लेटफॉर्म से पीढ़ियां बदलती हैं। दोस्तों लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर 3 से 5 साल देने में अगर जीवन बदल सकता है, लोगों का बदल रहा है, आपका बदलेगा नहीं बदलेगा बात की बात, लेकिन पहले आप देख लीजिए ना इसी प्लेटफॉर्म से 54 साल की उम्र में टेप टीवी बनाते बनाते रामाशीष गुप्ता सर की जिंदगी क्या थी, पूरे जीवन खपाने के बाद 20 साल 18 साल मोटर बाइंडिंग करते हमारे जगदीश सर की जिंदगी क्या थी, बीच में हमारे बच्चों में जो कहते ना कि बार बार ये बोलते हैं माझी बरदर से इनकी जिंदगी क्या थी, मड़ई में रहते जाते हैं, तल्ला मकान है, ढेर सारे अचीवर है। दोस्तों अब आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि ये सब में जिंदगी बदलती है कि नहीं बदलती है। और जितने भी लोग आप यहाँ मिल रहे हैं, एक चीज कॉमन देखिए, सब लोग एक ऑर्डिनरी गरीब परिवार से संबंधित है, कोई अल्ट्रा अमीर नहीं था। आज ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो यही चीज मेरे भी समझ में आई थी जब फर्स्ट टाइम मैं सिखाया तो जाता था, मिलता जाता था रामाशीष गुप्ता सर जैसे आदमी को देखता था, बाकी लोगों को देखता था, मेरे मन में एक ही विचार आता था, मैं पढ़ लिख के 20 साल मुझे नौकरी मिली 15,000-20,000 रुपए, उस जमाने की बात बता रहा हूँ दोस्तों। लेकिन ये लोग ऐसे है, मेरे बराबर एजुकेशन भी नहीं, आखिर क्या करते हैं ये लोग, जितना मुझे सैलरी मिलती है उतना आसपास लोग टीजीएस कटवाते हैं, वो गहराई में जाने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया दोस्तों। और अब मुझे लगता है काश प्रमोशन लिया होता तो पैसा जरूर बढ़ता, लेकिन लिमिटेड होता, लेकिन आज प्रमोशन नहीं लिया, आज जहां हूं वहीं पड़ा हूं, और आज
जो चीज यहाँ पे मिल रही शायद वहां नहीं मिलती। दोस्तों कभी समय हो रहा है ज्यादा वक्त ना लेते हुए लास्ट में एक ही चीज कह के अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे टीवी डे, मुझे पता सब लोग जाना होगा मंदिर में मत्था टेकने के लिए। एक ही चीज कहूंगा, काम करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। काम करोगे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कुआं जितना गहरा होगा उतना मीठा जल मिलेगा, उतना मीठा जल मिलेगा। दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जाने अनजाने में जो गलती उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, निर्णय लीजिए, वन डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ। थैंक यू सर, आज मुझे मौका दी अपनी बातों रखने का। थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। और बहुत शानदार अंदाज में आज आपने नए महीने की स्टार्टिंग पर आपने मैसेज दिया कि हम लोगों को क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या करने से हम सभी का नेटवर्क बढ़ेगा। तो बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दी सर आपने। सच में बहुत बारीक बारीक पॉइंट, एक तारीख को क्या हमें टीवी बनाना है, उसका क्या वजह है, क्या अपनी टीम के साथ ठीक है बनाना, इसके पीछे क्या वजह है ठीक है, और जो हम करेंगे वो टीम डुप्लीकेट करेगा, ये आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। तो थैंक यू सो मच सर। और आज भी वही चीज है कि आज भी वही डुप्लीकेट होगी जो आप डुप्लीकेट कराएंगे। तो आज दिन है डुप्लीकेट कराने का, अपना डिसिप्लिन, अपना अनुशासन डुप्लीकेट कराने का अपने टीम को। तो आज नए सिरे से फिर से लगिए और हम ज्यादा वक्त लेते हुए हम चलते हैं हम सभी के इंस्पेक्टर मेंटर, कोई और नहीं बिहार से आदरणीय श्री प्रियरंजन सर को हम इनवाइट करेंगे। सर आएंगे और आज 1 तारीख 1 अक्टूबर 2022 को एक शानदार संदेश हम लोगों के बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को मैसेज देंगे। तो हम इनवाइट करेंगे हम सभी के पास और इंस्पेक्टर ध्रुव आदरणीय श्री प्रियरंजन सर, वेलकम सर, आइए और हम लोगों को एक संदेश दें बहुत बेहतर तरीके से। वेलकम सर। सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू अमरदीप जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई दिनेश जी को एक शानदार सेशन के लिए, जोरदार तालियां बनती है उनके लिए। और आज के लिए जितना कि मिलना चाहिए था सब दिनेश जी दे दिए, कुछ बाकी वो छोड़े नहीं है। घुमा फिरा के हर तरह से आपको समझाने का प्रयास किए दोस्तों। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग का जो ये बिजनेस है ना, ये इसकी परिवरिश करनी होती है ना। बच्चा जब घर में आता है तो बच्चे की हम लोग परिवरिश करते हैं। बच्चे की जब परिवरिश करते हैं तो हर गार्जियन बच्चे की परवरिश कर रहा है इस उम्मीद से कि मेरा जो बच्चा है वो जो हम ना कर पाए वो करेगा। बच्चों से आप चाहे ना चाहे हर किसी की उम्मीदें होती हैं। और एक बच्चे पे कितना टाइम और कितना समय लगता है, अगर आज के डेट में आपके बच्चे किसी निजी विद्यालय में, खासतौर से अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी लोग पढ़ा रहे होंगे उनको इस बात का अच्छे से अंदाजा। अगर मैं अपनी बात करूं, दो बच्चे, एक बेटा 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 मेरा 9वीं कक्षा में है अभी, और बेटी जो है वो 4थी क्लास। जिन विद्यालय में मैंने डाल के रखा हुआ है, पटना के टॉप स्कूल में आता है वो, और लगभग लगभग मोटे मोटे शब्दों में 20,000 रुपए महीने दो बच्चों पे खर्च होता है, सिर्फ एजुकेशन का खर्च। मैं बच्चों की चूंकि परिवरिश की बात कर रहा हूँ तो मैं ये चीज आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इन बच्चों पे जो खर्च मैं कर रहा हूँ ना, अगर बेटा मैं 9वीं कक्षा में है, मतलब आजकल के जमाने के हिसाब से देखा जाएगा तो 1 से 9 भी होता है, उसके पहले LKG UKG नर्सरी सब होता है। यानी अगर 9 कक्षा आपने पढ़ाया है तो मतलब 9 और 3 आपने 12 साल पढ़ाया है। एक बच्चे 12 साल पैसा समय सब इन्वेस्ट करने के बाद वो बच्चा अभी कितने लायक है, ये आप सबको पता है कि 9वीं कक्षा का बच्चा कितने लायक है। अभी अभी 9वीं नहीं, उस अभी इस बच्चे को लगातार 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 इन्वेस्टमेंट करना है और लगातार 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 इसकी परवरिश करनी है। लेकिन इन दो बच्चों के अलावा एक और बच्चा जिसकी मैंने
परिवरिश की। इन दो बच्चों के अलावा एक और बच्चा जिसकी मैंने परिवरिश की, ये बच्चे की परिवरिश में मुझे सिर्फ एक बार पैर साल लगा था, सिर्फ एक बार। बाबूजी से कर्जा मांगे थे 50,000 रुपया और उस 50,000 रुपये में एक बार इस बच्चे पे मैंने इन्वेस्ट किया था और समय भी 3 से 4 साल, जो मेरे अपलाइन ने बताया था कि 3 से 4 साल आप अगर समय देंगे तो लाइफ में दोबारा आप नौकरी की तलाश में नहीं भटकेंगे। उस समय भी 2001 से 2005, इस 5 सालों में मैंने कार भी खरीदी, मैंने जमीन भी खरीदी, जो कुछ हो सकता था इन 5 सालों के अंदर मैंने कर लिया था। ये बच्चा था डीएक्सएफ, ये जो तीसरा बच्चा है ना, ये बच्चा था डीएक्सएफ जिसकी परिवरिश मैंने 3 साल की। और 3 साल में ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, 3 साल में ये बच्चा इतना बड़ा हो गया, मुझे आज तक संभालना है। सिर्फ मुझे नहीं संभालना है, मेरे पूरे परिवार को संभालना है, मेरे बच्चों समेत से मुझे संभालना है और मेरी मेरी जिंदगी भर मुझे संभालेगा ये। तो अगर आप अपने इस बिजनेस को उसी बच्चे की तरह परिवरिश देते हैं ना, आपको जिंदगी भर इस बच्चे को परिवरिश नहीं करना पड़ेगा। बस आप जीवन का 3-4 साल झोंक दीजिए इसकी परिवरिश, 3-4 साल दिल से परिवरिश इसी कर दीजिए, 3-4 साल सिस्टम को फॉलो कर लीजिए। ये बच्चा बस 3-4 साल में इतना बड़ा हो जाता है, इतना होशियार हो जाता है कि जिंदगी भर आपको ये बच्चा फिर संभालता है। तो सिंपल है, ये तब होगा जब हम और आप सिस्टम में हो। दोस्तों आज से 20 साल पहले की कहानी कुछ और थी, कोई बताने वाला, सिखाने वाला, कोई टेस्टिमोनियल कुछ भी नहीं था हम लोग के सामने में। आज के डेट की कहानी कुछ और, उस जमाने में कच्ची सड़क भी नहीं थी, अगर देखा जाए तो सड़क का निर्माण करना पड़ा था। आज के डेट में आप लोगों के सामने ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ना बना हुआ है, एकदम सब कुछ स्मूथ है। आपके आपके मोहल्ले में स्टॉक पॉइंट है, आपके शहर में बड़े से बड़े लीडर्स हैं, आपको ऑनलाइन हर तरीके का ट्रेनिंग प्रोग्राम मुहैया हो रहा है ना। सीखने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप अपने लाइफ में, हम अपने लाइफ का गोल्डन टाइम जी रहे हैं, इससे अच्छा सीखने का मौका कुछ भी नहीं था। आप जिंदगी में जो सीखना चाहते हैं सब ऑनलाइन मौजूद है। आप जिंदगी में जिन लीडर्स को सुनना चाहते हैं सब ऑनलाइन मौजूद है। आप उन लीडर्स को सुन सकते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के दुनिया के महान महान हस्तियां हैं, जिम रॉन जैसे लोग जिनका हम लोग पहले कभी नाम ही सुनते थे। आजकल मौका है कि उनको हम लोग यूट्यूब पे सुन लेते हैं, ठीक है, उनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी समझ में नहीं आती, लेकिन एक ही वीडियो को 10 बार सुनते हैं, 10 बार सुनते हैं तो समझ में आ जाती है। अमेरिका वाली अंग्रेजी इतनी क्लियर नहीं होती है हम लोगों के लिए, जो इंडियन लोग अंग्रेजी बोलेंगे समझ लेंगे, अमेरिका वाली नहीं समझ में आती है, लेकिन वही वीडियो 10 बार देखते हैं समझ में आती है बात। आज हम लोग बेहतरीन टाइम को जी रहे हैं दोस्तों। इस बच्चे को जिंदगी भर पालना नहीं है, इस बच्चे को 3 से 4 साल परिवरिश में इसके दम लगा दीजिए, फिर आपके आपके बच्चों समेत आपको जिंदगी भर पालेगा, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये बच्चा पालने वाला है। तो आज आज पिछले महीने जिन लोगों ने भी अपना रिकॉर्ड ब्रेक किया है उनको बधाई, जो लोग रिकॉर्ड को टच किए हैं उनको भी बधाई, जो लोग रिकॉर्ड बनाए, जो लोग रिकॉर्ड का टारगेट बनाए और ना छू पाए उनको भी बधाई, क्योंकि आपने प्रयास किया, कोई दिक्कत नहीं है। हर बार जरूरी नहीं है कि हम टारगेट बनाए और छू ही लें उसको, प्रयास किया आपने, ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारे पास फिर नया मौका है, सब कुछ पीछे वाला भूल जाइए। अमरदीप जी ने शुरू में ही ये बात की थी, बहुत शानदार लगी मुझे, पीछे सब कुछ भूल जाइए, कल तक जो हुआ सब डिलीट मार दीजिए। आपके पास आज एक नया दिन है, आज एक नई शुरुआत कीजिए, आज डिसाइड कीजिए कि हम इस बच्चे को अब आगे किस तरीके की परिवरिश देने वाले हैं, हम अपने नेटवर्क को कैसा सिस्टम देने वाले हैं। आज से सिस्टम में आ जाइए। आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, जाइए स्टॉक पॉइंट आपके जहां भी नियरेस्ट है, जाकर के रिकॉर्ड को आज ब्रेक कीजिए, पिछले सारे रिकॉर्ड। ये महीना बड़ा शानदार है, ये कितना शानदार महीना बहुत सालों के बाद आया है, जो पूरे इसी महीने में सारे त्योहार है ना। आप जिन भी भगवान को मानते होंगे ना, दुर्गा माता को मानते हैं कि छठी मैया को मानते हैं, जिनको चित्रगुप्त भगवान को मानते हैं, आप जिनको मानते हैं, सब इसी महीने में सारे भगवान लोग की शक्ति इस महीने में एकदम इकट्ठा हो गई। अपनी भी पूरी शक्ति इकट्ठा कीजिए और आज उसको एकदम ताकत लगा दीजिए। और जो दिनेश जी बोल रहे थे आज बड़ा अच्छा, उन्होंने एनालाइज भी किया है कि 1 तारीख को जो आप बीवी बनाते हैं
ऑलमोस्ट उसके 3 से 4 गुना बिजनेस आपका जाता है ना। तो जो बुलेटिन इकट्ठा कीजिएगा उस पर सॉलिड ब्याज आने वाला है। आज पूरा जान लगा दीजिए, पूरा टर्म लगा दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए कि अपना पिछला एक तारीख का रिकॉर्ड आज हम ब्रेक करें। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को देता हूँ। थैंक यू सो मच अमरदीप जी मुझे समय देने के लिए।